दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल डिजायर क्लास में। मैं पवन गुप्ता हाजिर हूँ आपके लिए मैथ्स डेली डोज में डे फोर में। देखिए तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैथ्स डेली डोज ऑफ डे डे फोर। जैसा कि आपको पता है कि मैंने इससे पहले आपको तीन वीडियो दिया जिसमें डेली डोज फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड आपने देखा होगा। ऐसा लाजवाब ट्रिक जो आपको कहीं नहीं मिला होगा तीनों क्वेश्चंस के लिए। यानी कि हमारा टारगेट है डेली डोज में ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जिसमें विदाउट पेन एंड कॉपी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका। लेकिन उससे पहले आपको कॉन्सेप्ट भी, यानी कि हमारा पैटर्न क्या है, कॉन्सेप्ट, फार्मूला प्लस ट्रिक, यहाँ पे आप तीनों चीज़ सीखेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कि मैथ्स डेली डोज यानी डे फोर में आज का हमने क्वेश्चन किस टॉपिक से लिया। आप एक बार पढ़िए और देखिए कि किस टॉपिक का है। आप वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। वैसे मैं आपको बताऊँ कि आज का जो हमारा प्रॉब्लम है डेली डोज का, वो आपका औसत से लिया गया। औसत का मतलब होता है एवरेज, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एवरेज। तो मैं आपको आज बताऊंगा कि एवरेज में अगर इस टाइप के प्रॉब्लम आएगा तो आप कैसे विदाउट पेन एंड कॉपी सॉल्व कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। आप ये मत सोचिए कि पॉसिबल नहीं है, हर चीज़ पॉसिबल है। 30 सेकेंड से क्या 2 सेकेंड में भी क्वेश्चन को सॉल्व करना पॉसिबल है। मैं करके दिखाऊंगा, देखिए मैं कर रहा हूँ और आप देखते रहिए, और देखने के बाद आप भी कर ले जाएंगे। और मैं पक्का वादा कर रहा हूँ कि आपको लगेगा कि नहीं, क्वेश्चंस को ऐसे ही पढ़ना है तभी कंपटीशन निकलेगा, अदरवाइज निकल नहीं सकता। तो चलिए आइए एक बार हम क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे। इसके लिए मैं जो भी तरीका पॉसिबल है मैं आपको सब बताऊँगा। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 8 लगातार संख्याओं का औसत 93 हो। यानी कि 8 लगातार का मतलब है कि 2, 4, 6, 8 यानी लगातार होना चाहिए, और औसत 93 दिया है तो सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी। तो देखिए मैं आपको बता दूं दोस्तों कि 8 लगातार सम संख्या का औसत 93 दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सम संख्या की सीरीज जो होगी वो 2 से स्टार्ट होगी। क्योंकि क्वेश्चन में अगर ऐसा लिखा होता कि 8 लगातार प्रथम सम संख्याओं का औसत या 8 प्रथम लगातार सम संख्याओं का औसत, तो आपको लगातार और प्रथम वर्ड जुड़ा रहता तो आप 2 से स्टार्ट करते। लेकिन इस सीरीज में प्रथम वर्ड नहीं जोड़ा है, यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि 8 लगातार सम संख्या। तो दोस्तों मुझे ये बताओ कि 8 लगातार सम संख्या तो कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, 88 से भी स्टार्ट हो सकता है, 92 से भी स्टार्ट हो सकता है, 70 से भी स्टार्ट हो सकता है, 2 से भी स्टार्ट हो सकता है। लेकिन ये पता ही नहीं आपको कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि अगर क्वेश्चन अगर 2 से स्टार्ट होता और सबसे छोटी सम संख्या पूछता तो दोस्तों बताओ इस क्वेश्चन में कुछ होता, आप डायरेक्ट कह देते 2। लेकिन ऐसा ये प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए आइए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मेथड नंबर फर्स्ट कि इसको हम लोग कैसे समझेंगे कि ये प्रॉब्लम क्या है और कैसे इसको बुक वगैरह में किस तरह का सॉल्यूशन दिया रहता है। तो मैं आपको बताऊं कि जो औसत होता है यानी एवरेज, थोड़ा सा आप समझ लीजिए यहां पे कि औसत का मतलब होता है मीन, और मीन का मतलब होता है हिंदी में माध्य, और माध्य का मतलब होता है ठीक बीच वाली संख्या। और दोस्तों एक चीज़ और आप समझते हुए चलना कि अगर कोई सीरीज सम संख्या की है और वो 8 लगातार सम संख्या है, इसका मतलब कि वो सीरीज हमारा एपी में होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसको बोलते हैं समांतर श्रेणी। बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर सेम डिफरेंस पे अगर आपका सीरीज चल रहा है तो वो डिफरेंस अगर सेम होता है तो वैसे सीरीज को हम बोलते हैं समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो आइए डिस्कस करते हैं कि जो हमारी सीरीज होगी वह कैसे होगी और हम उसको कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए औसत का मतलब मैंने आपको बताया मीन, और ये आपका एवरेज अगर 93 दिया है तो आप समझ सकते हैं कि टोटल अगर हमारा 8 नंबर है, देखिए मैं इसको पिक्चर में समझा देता हूं आपको, अगर 8 नंबर है तो आप लिख सकते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स नंबर और सेवेंथ नंबर और 8 नंबर। अब औसत की अगर मैं बात करूं तो देखिए क्या होगा औसत कि इस 4 नंबर इधर से और 4 नंबर अगर आप इधर से इसको आउट कर देंगे तो ठीक इसके मिडिल में जो नंबर होगा वही इसका औसत होगा। तो औसत क्या है 93, इसका मतलब है कि इससे पहला वाला नंबर और इसके बाद वाला नंबर आप आराम से निकाल सकते हैं। अगर 8 लगातार है तो इसका मतलब 93 से छोटा आपका सम संख्या कौन सा रहा होगा, 92 आप लिख सकते हैं, और 93 से जस्ट ग्रेटर नंबर सम संख्या कौन सा होगा 96। अब आप इस पिक्चर डायग्राम पे सारे नंबर्स को लिख सकते हैं, यानी कि ये हो जाएगा 98, ये हो जाएगा 100 और ये होगा आपका 102, एक सेकंड, सॉरी ये आपका 94 होगा, एक सेकंड,
ये आपका 92 के बाद ये 93 है, तो नेक्स्ट नंबर आपका 94 होगा, और ये आपका 96 होगा, और ये आपका 98 होगा, और ये आपका 100 हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा। अब आप देखिए पिक्चर को कि 93 से जस्ट ग्रेटर नंबर 94 और 96, 98 और 100 आपका, ये सारे नंबर लगातार आपको मिल जाएंगे विदाउट फॉर्मूला, विदाउट पेन एंड कॉपी। ये आपका हो जाएगा 90, ये आपका होगा 88 क्योंकि सम संख्या की सीरीज है, और ये आपका होगा 86। अब दोस्तों मुझे ये बताओ कि आपके क्वेश्चन में क्या पूछा था कि सबसे छोटी सम संख्या, तो आपने तो आठों नंबर निकाल लिया। अब अगर सबसे बड़ी पूछता तो आपका 100, सबसे छोटी सम संख्या 86, आप आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपका एक मेथड था हमारा पिक्चर के थ्रू, यानी ये पिक्चर मेथड है हमारा। पिक्चर मेथड के थ्रू आप अगर इस तरह का प्रॉब्लम आता है तो आप विद इन 10 सेकेंड 15 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं सोच के। क्योंकि देखिए मैं बता रहा हूँ, आपसे अगर छोटी संख्या पूछता है तो आपको इधर वाले नंबर्स निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको इधर आना है। और आपसे अगर छोटी संख्या पूछे तो आप बैक चले आइए, अगर बड़ी संख्या पूछे तो आप आगे मूव कर जाइए और डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों क्या ये मेथड अगर मैं कहूँ कि 8 नंबर के लिए है तो आपने लिख लिया, लेकिन अगर यही क्वेश्चन ये होता है कि 36 लगातार सम संख्या, 32 लगातार सम संख्या, तो क्या पॉसिबल है कि आप लिख सको? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इतना टाइम एग्जाम देता कहाँ है। तो चलिए पहले हम दूसरा मेथड सीखते हैं कि इसका फॉर्मूला से मेथड क्या कहता है। तो देखिए फॉर्मूला जो इसका है वो मेथड आपका ये कहता है, सेकेंड मेथड, कि जो औसत होता है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि अगर कोई सीरीज एपी में है और उसका आपको एवरेज निकालना है, यानी कि एपी के सीरीज का एवरेज वही होता है जो आपका समांतर माध्य होता है, ठीक है। तो औसत निकालने के लिए एक फंडा होता है आपका फर्स्ट नंबर, जैसे एपी के सीरीज के फर्स्ट नंबर को हम क्या बोलते हैं, ए, और लास्ट नंबर को क्या बोलते हैं, एल, और डिवाइडेड बाई 2। तो यानी एपी के सीरीज का फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को जोड़ के और 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो आपका औसत दे देता है, ठीक है। तो आपको तो ये पता ही नहीं है कि इसका फर्स्ट नंबर कौन सा है और लास्ट नंबर कौन सा है, तो आप कैसे फाइंड करेंगे? तो इसको फाइंड करने का हम आपको तरीका बता रहे हैं कैसे। तो देखिए अगर आपके पास 8 नंबर है तो उसमें पहला नंबर फर्स्ट नंबर होगा और लास्ट नंबर आपका आठवां नंबर होगा, यानी आठवां नंबर आपका लास्ट नंबर होगा। इसको हम लास्ट बोल सकते हैं और इसको हम फर्स्ट बोल सकते हैं। तो अगर मैं कहूं कि अगर एपी का फर्स्ट नंबर एक्स है तो लास्ट नंबर क्या होगा, अगर ये पता लग जाए तो आप आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए इसको फाइंड करने का तरीका, आपको पता है कि इस सीरीज में टोटल 8 नंबर होंगे तो एन की वैल्यू कितना हो जाएगा, 8। इसके बाद आपको एक फॉर्मूला होता है एपी का, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये टी एन का मतलब होता है लास्ट नंबर, यानी nth टर्म, जिसको हम एल बोलेंगे। ए को आपने क्या लेट किया है, एक्स, और प्लस ये डी होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, यानी डी होता है आपका सार्वंतर कॉमन डिफरेंस। तो एन की वैल्यू जब आप 8 रखेंगे तो ये 7 हो जाएगा और ये डी आपका यहाँ पे आ जाएगा, क्लियर। तो अब अगर हम बात करें एल की वैल्यू निकालना है, अब एक चीज़ मुझे बताइए कि अगर ये सीरीज एपी का है और सारे के सारे सम संख्या है तो कॉमन डिफरेंस 2 का होगा, यानी हमारा डी की वैल्यू 2 होगा। आप इसको समझिएगा और आप देखते रहिए, मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जो आपको कुछ भी नहीं करना है, विदाउट पेन एंड कॉपी सॉल्व कर ले जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप डी की वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या बन जाएगा, एक्स प्लस 14, तो आपका लास्ट नंबर मिल गया एक्स प्लस 14, क्लियर। तो आपको केवल फर्स्ट नंबर चाहिए और लास्ट नंबर चाहिए। अब फर्स्ट नंबर को रखिए x और लास्ट नंबर को रखिए x प्लस 14 और इसको 2 से डिवाइड करिए, तो ये कितना हो जाएगा, 2x प्लस 14। और देखिए एवरेज आपके क्वेश्चन में दिया है 93, आप यहाँ पे रख सकते हैं, और डिवाइडेड बाई 2। अब देखो आप कि अगर मैं इसमें से 2 कॉमन लेके कटा दूं तो ये कट जाएगा और ये हो जाएगा आपका 7। तो 93 इज इक्वल टू बचेगा x प्लस 7, और आप x की वैल्यू निकालने के लिए 93 में से 7 माइनस कर सकते हैं तो आपको मिल जाएगा 86। और दोस्तों आपसे छोटी संख्या पूछा था, यानी फर्स्ट नंबर पूछा था, तो फर्स्ट नंबर आपका क्या होगा, 86, आप आंसर टिक कर सकते हैं। लेकिन मेरा कहना ये है कि क्या ऐसे प्रश्न करने के लिए एग्जाम में आपके पास इतना टाइम होगा? बिल्कुल नहीं। इतने टाइम अगर लेंदी अप्रोच से आप करेंगे तो कभी भी एग्जाम में सक्सेस नहीं हो सकते हैं, यानी कि आपको सफलता नहीं मिल सकती। तो चलिए आइए अब हम बात करते हैं कि ट्रिकी मेथड क्या होगा और इसको कैसे हम कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रिकी मेथड की और देखते हैं कि क्या ये जो प्रश्न आपने देखा, जिसका मैंने दो मेथड बताया, पहला पिक्चर मेथड बताया और दूसरा आपको फॉर्मूला से सॉल्व कराया, तो क्या आपको ऐसे करने से एग्जाम क्वालिफाई
सही होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इतना एग्जाम टाइम नहीं देता है। पहले मेथड का ड्रॉबैक क्या था कि अगर 4 नंबर 5 नंबर 8 नंबर 10 नंबर तक देगा तो आप पिक्चर पे उसको दिखा के लिख सकते हैं, लेकिन अगर बहुत बड़ा नंबर का देगा यानी 36 नंबर देगा, 28 नंबर दे दिया तो आपको लिखने में प्रॉब्लम आएगी। दूसरे मेथड में क्या था कि हमें फॉर्मूला याद करना पड़ेगा और फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, लेकिन जो ये मेथड है इसमें आपको कुछ नहीं करना है, विदाउट पेन एंड कॉपी आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं कि इसके लिए क्या करना होगा। तो देखिए, 8 लगातार सम संख्या का अगर औसत 93 दिया है तो मैंने आपको दोनों संख्या निकालना सिखाया कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या कैसे निकालेंगे। तो बड़ी संख्या निकालने के लिए और छोटी संख्या निकालने के लिए आप तो सबसे पहले कि जो औसत दिया है उस औसत को लिख दीजिए, यानी कि 93 हमारा एवरेज है। अब मन में सोचिए कि अगर 93 आपका एवरेज है तो छोटी संख्या 93 से कम होगा और बड़ी संख्या 93 से ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब है कि बड़ी संख्या ज़्यादा होगा तो 93 में प्लस होगा कोई ना कोई नंबर, और छोटी संख्या 93 से कम होगा तो इसमें कोई संख्या आपका माइनस हो जाएगा। तो अब बात करते हैं कि हम क्या प्लस करेंगे और क्या माइनस करेंगे कि हमें दोनों नंबर मिल जाएगा। तो आपको करना क्या है कि टोटल अगर 8 लगातार सम संख्या दिया हुआ है तो आपको 8 में से 1 घटा देना है। आप घटाइए, 8 से 1 कम करेंगे 7, तो आप इसमें 7 प्लस कर दीजिए और इसमें 7 माइनस कर दीजिए, और दोस्तों देखिए कि आपके सामने आपका आंसर है, यानी 93 में 7 प्लस करेंगे ये बन जाएगा 100, जो कि आपकी बड़ी संख्या, और 93 में से 7 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 86, जो आपकी सबसे छोटी संख्या होगा। क्लियर? तो इस तरह से आप इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं विदाउट पेन एंड कॉपी। अब देखिए, विदाउट पेन एंड कॉपी करने के लिए क्या करना था, आपको सबसे पहले देखना है कि 8 लगातार सम संख्या कह रहा है, तो आप सबसे पहले औसत को पिक करिए 93, और उसके बाद देखिए कि छोटी पूछा या बड़ी। तो आपसे अगर सबसे छोटी संख्या पूछता है तो आप मन में पिक्चर बना लीजिए कि 93 से कम होगा। अब कितना कम होगा, तो 8 लगातार दिया है तो 7 को माइनस करिए, तो 93 में से 7 माइनस करेंगे आपको क्या मिल जाएगा, 86। अगर यहीं पर बड़ी संख्या पूछता तो आपको क्या करना था, 93 से ग्रेटर होगा हमारा नंबर। अब कितना ग्रेटर होगा, तो 8 अगर लगातार सम संख्या है तो हमें 93 में 7 प्लस करना है, तो कितना बन जाएगा दोस्तों, आपका बन जाएगा 100। तो इस तरह से इस टाइप के सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं आप, ठीक है। अब एक चीज़ और बता दूं कि क्या इस ट्रिक का और क्या बेनिफिट हो सकता है। बहुत बच्चों के मन में डाउट होगा कि सर क्या ये सम संख्या के लिए ही लगेगा कि विषम संख्या की अगर सीरीज होती तब भी लग जाता। जी हाँ दोस्तों, ये अगर ये क्वेश्चन का जो ट्रिक है आपको मैं बता दूं कि कहां कहां पे अप्लाई कर सकते हो, आपको सोचना नहीं पड़ेगा। यानी कि अगर आपकी सीरीज सम संख्या की है तब भी आप इस ट्रिक को अप्लाई करिए, आंसर डेफिनेटली आएगा। और इसके बाद अगर आपकी सीरीज विषम संख्या की होती है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें ये आपका बेनिफिट है कि ना पिक्चर ड्रॉ करना है ना फॉर्मूला याद करना है, बस एक फंडा याद रखिए कि एवरेज में कोई नंबर प्लस करेंगे तो हमें बड़ी संख्या मिलेगा, और एवरेज में से कोई नंबर माइनस करेंगे तो हमें छोटी संख्या मिल जाएगा। अब क्या प्लस करना है क्या माइनस करना है, तो हमेशा ध्यान रखिए कि जितना संख्या दिया रहेगा उसमें से एक कम कर देना है, यानी 8 है तो हमें 7 प्लस करना है और 7 माइनस करना, आपको दोनों नंबर आपके सामने मिल जाएगा, और बिना पेन एंड कॉपी, यानी विदाउट पेन एंड कॉपी, बिना पेन और कॉपी उठाए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये ट्रिक अच्छी लगी होगी, और आपको क्या करना है कि अगर हमारी सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं तो आप दूसरों को भी फॉरवर्ड करें, बताएं कि हाँ ऐसा भी चैनल है यूट्यूब पे जो इस ऐसा ट्रिक बताया जाता है जिसमें आपको विदाउट पेन एंड कॉपी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि मैथ्स डेली डोज डे 5 में। तब तक के लिए नमस्कार, और लास्ट में आपसे बस इतना ही मैं बोलूँगा कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि अगर आपको हमारे फेसबुक पेज से लिंक करना है, जुड़ना है, तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे एक लिंक दिया रहेगा, उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो हमारा फेसबुक पेज ओपन हो जाएगा इंजीनियर पवन सर के नाम से। उसको आप लाइक करिए, फॉलो करिए, और उस पर अपडेट्स आप लेते रहिए, यानी प्रैक्टिस सेट क्वेश्चंस वगैरह आपको उस पर मिलते रहेंगे, अदर भी अपडेट्स मिलेंगे, ठीक है। दोस्तों चलते हैं, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।